What's up guys, गच्चो और नेक्स्ट 4.8 सेकंड में अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो लिटरली कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन आपको मिलेगा 2 साल का गुड लक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल की तरह कैसे झूठ बोल सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बहुत ही अच्छे से झूठ बोल सकते हैं। जो पहला जो चीज़ आपको करना पड़ेगा वो कैरी मिनाटी का वीडियोस देखना पड़ेगा, और कैरी मिनाटी के वीडियोस देखने के लिए आपको हेडफोन पहनना ही पड़ेगा और वरना बहुत सारा दिक्कत हो जाएगी। तो कैरी मिनाटी का वीडियोस देखो और हेडफोन पहन लो, क्योंकि भाई कैरी मिनाटी का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपका दिमाग का स्ट्रेस इतना घट जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल की तरह झूठ बोल सकते हो। एक चीज़ आपको करनी है झूठ बोलने समय आपको एक रूबिक्स क्यूब हाथ में लेके उसको मैच करने की कोशिश करना है। उससे आपका जो दिमाग का स्ट्रेस है वो घट जाएगा और सामने वाला जो है वो आपका झूठ नहीं पहचान पाएगा, तो आप ऐसे ही अच्छे से झूठ बोल सकते हो। और थर्ड जो करना है, मेरी ये फुल वीडियो देखनी है। और झूठ बोलने समय ज़्यादा एक्स्ट्रा बातें मत करो, तब ये सब अच्छा नहीं होता, सामने वाला आपका झूठ पहचान भी ले सकते हैं। हेडफोन्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इस दुनिया में, जो हर बंदे के पास होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो इससे कुछ भी नहीं जाता, आपके पास हेडफोन्स तो होना ही चाहिए। और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो सामने वाले इंसान जिसके सामने आप झूठ बोल रहे हो उसके आँखों में आँखें डाल के देखो, वो झूठ कभी नहीं पकड़ पाएगा। और अगर आप ट्यूशन में हो और वहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो तो उसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। आप जस्ट सिंपली अपना पेन ले लो, वो हाथ में लेके उससे कुछ भी करो यार, कुछ भी कर लो, टीचर आपका झूठ नहीं पकड़ पाएगा। ऐसे ही कतई फिडजेट स्पिनर भी ले लो, वो भी बहुत अच्छा है। कुछ भी टॉय यूज़ कर लो, बच्चा बन जाओ झूठ बोलने से, कोई भी आपका झूठ नहीं पहचान पाएगा। और जो चीज़ आपको चाहिए, प्रैक्टिस। आपको हर दिन 100 झूठ बोलना ही है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। तो आपको हर दिन झूठ बोलना ही है, और आप मेरे जैसे प्रोफेशनल लायर से प्रैक्टिस ले सकते हो, आप झूठ बोलने में एकदम मास्टर बन जाओगे। और ये चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, आपको अपने झूठ पर बिलीव करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप झूठ बोल देते हो वैसे ही लेकिन आपको अपने झूठ पे बिलीव नहीं है तो भाई ये झूठ किसी काम का नहीं है, सामने वाला अच्छे से समझ जाएगा। भाई बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो सामने वाला समझ जाता है कुछ भी करके। अपने झूठ पे बिलीव करना सीखो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और हाँ, जिससे झूठ बोल रहे हो उससे मीडियम डिस्टेंस मत रखना, मतलब अगर झूठ बोलना है तो ज़्यादा दूर रहना, और एकदम पास भी रह सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मीडियम डिस्टेंस में मत रहना। और कंसिस्टेंट रहो यार, अपना झूठ जो बोल रहे हो वो बातें याद कर लो, वही बोलो। ऐसा नहीं कि अब कुछ बोल दिया 2 मिनट बाद और कुछ बोल दिया, कंसिस्टेंसी रखो यार। ये झूठ बोलने के समय बॉडी लैंग्वेज की तरह है, अपना हाथ को क्रॉस मत करना, क्योंकि ये दिखाता है कि आप कितने स्ट्रेस में हो। इससे सामने वाला बंदा आपका झूठ बहुत अच्छे से पकड़ लेगा। और झूठ बोलने समय आपका सर झुकाना, ये भी भाई आपका झूठ को बेकार कर देगा, सामने वाला बंदा अच्छे से पकड़ लेगा। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू मेक अ आई कॉन्टैक्ट। जी हाँ, आपको जिसके साथ आप बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उसके आँखों में देखना ही पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी तरफ से आपके लिए झूठ बोलने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। तो भाई लाइक तो भाई एक ठोक ही दो, और सब्सक्राइब बटन है तो उसको अगर आप प्रेस कर दोगे तो आपका झूठ कभी भी कोई बंदा नहीं पकड़ पाएगा। तो भाई सब्सक्राइब बटन के ऊपर हाथ मारो या फिर कुछ भी कर लो, सब्सक्राइब बटन क्लिक हो जाना चाहिए और आपको मिलेगा 2 साल की एक्स्ट्रा गुड लक। इसके लिए बाय बाय। लाइक द वीडियो इफ यू ब्रीथ एयर, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लिव इन प्लैनेट अर्थ।